subscribe to our channel and tap the bell notification icon to never miss a tech video from Geekie Show. दोस्तों बड़े दिनों बाद मैं फिर से आपके लिए लेके आ गया हूँ एक ज़बरदस्त वीडियो। तो इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूँ लेनोवो के आइडिया पैड S145 लैपटॉप का अनबॉक्सिंग और रिव्यू। तो इस वीडियो में आप लास्ट तक बन रहिएगा ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके कि लेनोवो का आइडिया पैड S145 ये जो लैपटॉप है वो खरीदने लायक लैपटॉप है या नहीं है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शुभम, आप देख रहे हो गीकी शुभ चैनल को। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। दोस्तों ये लैपटॉप मैंने बाय किया है कॉम्बो पैक में। इस कॉम्बो पैक में आपको लैपटॉप मिलता है प्लस 1 TB का हार्ड ड्राइव मिलता है, क्योंकि इस लैपटॉप में 512 GB का SSD है। तो आई थॉट कि 1 TB का एक हार्ड ड्राइव के कॉम्बो के साथ अगर ले लेते हैं तो बेहतर पड़ता है। अगर ये लैपटॉप आप सिंगल बाय करोगे तो आपको 43,000 रुपीज़ का मिलेगा, और इसमें जो आपको हार्ड ड्राइव मिलती है अगर उसको आप सिंगल बाय करोगे तो आपको 4,000 रुपीज़ मिलेगा, जो कि आपको पड़ जाता है 47,000 रुपीज़। लेकिन अगर आप कॉम्बो में बाय करते हो तो आपको 45,000 रुपीज़ पड़ता है, तो 2,000 रुपीज़ बच रहा था। तो हमने सोचा कि इसको ऑर्डर क्यों ना कर देते हैं, और ये हमने अपने फ्रेंड के लिए बाय किया था। तो ये लैपटॉप का अनबॉक्सिंग अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम लोग अनबॉक्स करेंगे हमारे लेनोवो के हार्ड ड्राइव को। तो जल्दी से हम चाकू निकाल लेते हैं और अपने अनबॉक्सिंग नाइफ से इसको कर लेते हैं जल्दी से अनबॉक्स। और अनबॉक्स करने के बाद दोस्तों आप देख सकते हो कि ब्लैक कलर का बड़ा ही सुंदर सा, देखने में तो काफ़ी सुंदर ही लग रहा है, लेनोवो का आपको हार्ड ड्राइव देखने को मिल जाता है। पैटर्न अच्छा है, 1 TB का हार्ड ड्राइव है, काफ़ी ज़्यादा यूज़ आता है, 1000 GB स्टोरेज आपको इसमें देखने को मिलता है, और साथ में आपको एक डेटा केबल मिल जाता है ट्रांसफर करने के लिए डेटा को। अब हम लोग दोस्तों जल्दी से लेनोवो के अपने लैपटॉप को अनबॉक्स कर लेते हैं, क्योंकि भैया इसी का तो इंतजार था, इसी को तो जल्दी जल्दी से अनबॉक्स करना था। तो जल्दी से इसके सील्स को ब्रोक कर लेते हैं और जल्दी से इसको ओपन करके निकाल लेते हैं बाहर। जैसे ही आप लैपटॉप को बाहर निकाल लेते हो दोस्तों, आपको बॉक्स के अंदर मिल जाता है यूज़र मैनुअल और सेफ्टी गाइड। तो इनको अगर आप पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, नहीं पढ़ना चाहते हो तो भी कोई बात नहीं, उतना खासा ज़रूरी नहीं है, इसको रख देते हैं साइड में। अब देख लेते हैं बॉक्स के अंदर भाई और क्या चीज़ें आपको देखने को मिल जाती हैं। तो बॉक्स के अंदर अब क्या बचा ही है, चार्जर है, चार्जर आपको देखने को मिल जाता है। दोस्तों अगर मैं चार्जर की बात करूँ तो ये जो चार्जर है काफ़ी अच्छा चार्जर है, छोटा है, लंबा वायर आपको देखने को मिलता है इसमें, और आपको इसमें फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिलता है, मतलब आपका लैपटॉप काफ़ी तेज़ चार्ज होता है। तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ आपको इसमें देखने को मिल जाती है, लैपटॉप का जो वायर है, जो चार्जर है, वो अगर फास्ट चार्जिंग देता है तो उससे बेहतर आपके लिए कुछ भी नहीं है। अब इसको चार्जर को रख देते हैं साइड में और आ जाते हैं अपने सीधे लैपटॉप की तरफ। लैपटॉप में आप देख सकते हो काफ़ी अच्छी पैकेजिंग है भैया, फोम वगैरह से इसको पैक किया गया है बहुत ही अच्छे से, ताकि इसमें कोई डैमेज ना आए। तो जल्दी से इसको ओपन कर लेते हैं और आप देख सकते हो फोम को हटा देते हैं साइड में, और फोम को साइड में हटा देने के बाद हम लैपटॉप को इसके प्लास्टिक से बाहर निकालेंगे। वाओ, मतलब लुक एट द कलर, लुक एट द फिनिश, लग रहा है मेटल है, वैसे ये मेटल नहीं है, प्लास्टिक बॉडी है, लेकिन देखने से मेटेलिक लग रहा है, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। आप देख सकते हो लेनोवो की ब्रांडिंग दी हुई है और काफ़ी खूबसूरत सा लैपटॉप है। पीछे आप देख सकते हो हीटिंग वेंट्स दिए हुए हैं, और आप देख सकते हो कुछ इस तरीके का आपको देखने को मिलता है। नीचे के साइड में आप देख सकते हो रबर पैडिंग भी दी हुई है, और 2 स्पीकर्स दिए हुए हैं फ्रंट डाउन साइड में, जो कि आपके स्पीकर के आवाज़ को ब्लॉक नहीं करेंगे, और रबर पैडिंग भी दी हुई है जो कि आप को ग्रिप अच्छा देगी। इस साइड में आप देख सकते हो ईयरफोन जैक दिया हुआ है और कार्ड रीडर का सेक्शन दिया हुआ है, वहाँ पे माइक का भी ऑप्शन वहाँ पे मिल जाता है आपको, तो यहाँ पे आप कार्ड डाल के यूज़ कर सकते हो, जो बड़ा वाला कार्ड होता है जो हम लोग यूज़ करते हैं इसमें मेमोरी कार्ड, वो आप डाल के यूज़ कर सकते हो। लेफ्ट साइड में अगर देखा जाए तो आपको 3 USB पोर्ट्स देखने को मिल जाते हैं, और आपको मिल जाता है 1 HDMI पोर्ट जिसको आप यूज़ कर सकते हो, और आपको मिल जाता है एक वहाँ पे चार्जिंग पॉइंट, चार्जिंग पॉइंट में आप डालो और अपने लैपटॉप को चार्ज करना चालू कर दो। नीचे के साइड में आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलता है। अब हम लोग कर लेते हैं लैपटॉप को रिवील अंदर से, कि लैपटॉप दिखता कैसा है जब हम उसको ओपन करते हैं फ्लैप को। अब लैपटॉप को खोल देते हैं, ओपन कर देते हैं, रिवील कर देते हैं। जैसा कि आप देख सकते हो ये ग्रे कलर का लैपटॉप है, इसमें डार्क ग्रे कलर की कीज़ आपको मिल जाती हैं, और ये आपको माउस पैड देखने को मिलता है। लेफ्ट में है AMD का Ryzen 5 प्रोसेसर आपको देखने को मिलता है वेगा ग्राफिक्स के साथ। जैसा कि आप देख सकते हो लुक वाइज देखा जाए तो काफ़ी खूबसूरत है, अब यूज़ करने में कैसा है वो देखा जाएगा। इसको हम ऑन करने की कोशिश करेंगे, ऑन तो नहीं होगा क्योंकि जब तक इसमें आप चार्जर नहीं लगाओगे तब तक ऑन नहीं होगा। आप यहाँ पर देख सकते हो फ्रंट में आपको कैमरा देखने को मिल जाता है, जो कि
कुछ खास क्वालिटी का नहीं है, मैंने इसको यूज़ किया हुआ है तो कुछ खास क्वालिटी का कैमरा आपको इसमें देखने को नहीं मिलता है, बहुत ही नॉर्मल 0.3 मेगापिक्सल कैमरा आपको इसमें देखने को मिलता है। अगर बात करें बेजल्स की तो थिन बेजल्स आपको साइड में देखने को मिल जाते हैं, ऊपर और नीचे की साइड में आपको थोड़े बहुत बेजल्स तो देखने को मिलते ही हैं, ज़्यादा थिन नहीं है। और इस लैपटॉप की सबसे बड़ी खासियत है कि ये 180 डिग्री तक फोल्ड हो सकता है, यानी एकदम सीधा हो सकता है, तो ये एक अच्छी चीज़ आपको इसमें देखने को मिल जाती है। तो अगर कोई झटके से इसको खोल दिया तो ये टूटेगा नहीं, नीचे चला जाएगा, दैट इज़ अ गुड थिंग। तो इसको चार्ज में लगा करके हम लोग इसको ऑन कर लेते हैं ताकि हम आपको इसके बारे में और भी अच्छे से जानकारी दे सकें। चलिए अब देख लेते हैं इसको चार्ज करके, और जब तक ये चार्ज में लगा हुआ है, जब तक ये ऑन हो रहा है, तब तक मैं आपको इसका कीबोर्ड दिखा देता हूँ। जैसा कि आप कीबोर्ड देख सकते हो, डार्क ग्रे कलर में आपको कीबोर्ड देखने को मिलता है। अगर मैं बटन्स की बात करूँ तो फर्स्ट इंप्रेशन इज़ लाइक दे आर वेरी टैक्टाइल, आवाज़ नहीं आती है। बैकलिट कीबोर्ड्स ये नहीं आपको देखने को मिलते हैं, दो तीन लाइट्स देखने को मिलती हैं कैप्स लॉक की और आपको पावर की लाइट देखने को मिलती है, लेकिन ये कीबोर्ड बैकलिट नहीं है और टैक्टाइल कीबोर्ड्स हैं, ज़्यादा आवाज़ नहीं आती, मैकेनिकल टाइप नहीं है। अगर बात करें माउस पैड की तो लेफ्ट में है, थोड़ा आपको दिक्कत देगा अगर आप राइट हैंड से यूज़ करते हो तो, और हमेशा ये लेफ्ट हैंड के बीच में आएगा, यूज़ करने के लिए आपको लेफ्ट में जाना पड़ेगा। और इसके बटन्स मुझे खास नहीं लगे लेफ्ट राइट क्लिक वाले, तो कुछ ऐसा माउस पैड आपको देखने को मिलता है। जैसा कि आप देख सकते हो कि हमारा सिस्टम जो है वो अब स्टार्ट हो गया, पूरी तरीके से सेटअप हो चुका है। तो अब मैं आपको इसके और फीचर्स दिखा दूं। अगर मैं बात करूं दोस्तों इसमें क्या क्या चीज़ें आपको मिल जाती है, तो इसमें आपको मिलता है 8GB का रैम, 512GB का स्टोरेज आपको इसमें देखने को मिल जाता है, और 1TB का हमने लिया ही है तो उससे कोई दिक्कत तो होगी नहीं, आगे अगर हमें एक्सपेंड करना होगा तो हम 1TB का हार्ड ड्राइव लगा करके अपनी सारी चीज़ें उसमें सेव कर सकते हैं, तो ये एक प्लस पॉइंट आपको देखने को मिलता है। और आपको एक ही ड्राइव देखने को मिलती है जिसको आप बाद में पार्टीशन कर सकते हो, वो तो बहुत ईजी होता है, आप पार्टीशन कर ही लोगे। अब दोस्तों बात कर लेते हैं लैपटॉप में और क्या क्या फीचर्स देखने को मिलते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, मैं प्रॉपर्टीज़ आपको स्पेशली दिखा दूँ तो आपको आपको पूरा आइडिया लग जाएगा इसमें है क्या। आप देख सकते हो 8GB का रैम है और 5.68GB आपको यूजेबल मिल जाता है। तो जो 2GB है वो वेगा ग्राफिक्स यूज़ करता है, तो आपको 6GB इन ऑल मिलता है रैम के तौर पे, और 12GB तक ये सपोर्ट करता है लैपटॉप, 12GB तक आप इसे रख सकते हो। AMD का Ryzen 5 का प्रोसेसर मिलता है आपको, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है, Ryzen 5 का प्रोसेसर है। गेमिंग वगैरह अगर आप हल्की फुल्की करना चाहते हो तो इसमें आराम से कर सकते हो, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। और दोस्तों यही है लैपटॉप जो भी आपके सामने है, और फर्स्ट इंप्रेशंस में डिसेंट लैपटॉप है, क्वालिटी मुझे सही लगी, कीबोर्ड लेफ्ट में है, उतना खास मज़ेदार नहीं लगा, लेकिन कुल मिला जुला करके ये आपके सामने। मैं जल्दी से इसको रीस्टार्ट कर देता हूँ और आपको दिखा देता हूँ कि कितना टाइम लगता है इसको स्विच ऑफ होने से बाद रीस्टार्ट होने में, कितना टाइम लगाता है। जैसा कि आप देख सकते हो तो मैंने इसको रीस्टार्ट कर दिया है और फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स लगते हैं इसको ऑन होने में, सॉरी फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स नहीं, कुछ सेकेंड्स लगते हैं इसको स्विच ऑफ होकर के दोबारा ऑन होने में, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ आपको इसमें देखने को मिल जाती है। वैसे 42-45 हज़ार में आपको फिंगरप्रिंट वाले भी लैपटॉप मिलने लगे हैं आजकल, लेकिन फिंगरप्रिंट की क्या ही ज़रूरत है, आप स्पेसिफिकेशन पर ज़्यादा फोकस करो, फिंगरप्रिंट को छोड़ ही दो। तो ये आपको देखने को मिल जाता है, काफ़ी तेज़ रीस्टार्ट होता है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं इस लैपटॉप के भरपूर रिव्यू की। तो अगर मैं इस लैपटॉप की रिव्यू की बात करूँ तो ये लैपटॉप जो है आपको 42,000 रुपये के हिसाब से मिलेगा। तो अगर आप इसको ख़रीदना चाहते हो तो हाँ, आप ख़रीद सकते हो। सबसे पहले मैं बात करूँगा डिस्प्ले की। इसका जो डिस्प्ले है वो काफ़ी अच्छा है और एंटी ग्लेयर डिस्प्ले है, यानी किसी भी एंगल से अगर आप इसे देखोगे तो आपको इसको देखने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप देख सकते हो, आप वॉच कर सकते हो, मूवीज़ वॉच कर सकते हो, और डिस्प्ले इसका आपको फुल HD मिलता है, तो ये एक अच्छा डिस्प्ले आपको देखने को मिल जाता है। अगर दोस्तों बात करें कीबोर्ड की तो कीबोर्ड का परफॉर्मेंस मुझे अच्छा लगा, अच्छा कीबोर्ड आपको देखने को मिलता है, कोई दिक्कत नहीं आती, टाइपिंग वगैरह फुल कीबोर्ड है, तो ये आपको एक प्रो में गिनते हैं। तो पहला आपका डिस्प्ले प्रो हो गया, दूसरा आपका प्रो हो गया कीबोर्ड। इसके साथ आपको 1TB का हार्ड ड्राइव मिलता है, तो ये भी आपके लिए एक प्रो है। अगर तीसरे प्रो की बात की जाए तो स्पीकर इसके डिसेंट हैं। अगर प्राइस रेंज की बात की जाए, 43-44 हज़ार रुपये के हिसाब से बात की जाए, तो इसमें जो स्पीकर्स आपको देखने को मिलते हैं वो काफ़ी अच्छे स्पीकर्स देखने को मिलते हैं। अगर इसका चार्जर की बात की जाए तो चार्जर भी इसका काफ़ी आपको बेहतर देखने को मिलता है, क्योंकि जो चार्जर है वो आपको फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देता है, तो आपका लैपटॉप काफ़ी तेज़ी से चार्ज होता है। अब दोस्तों बात करें कॉन्स की, तो प्लास्टिक बॉडी है, फ्रेजाइल है, कमज़ोर है, ध्यान देना पड़ेगा भाई, प्राइसिंग भी कम है तो ठीक है, ध्यान देना पड़ेगा, तो आप उसे अगर ध्यान से रखोगे तो नहीं जाएगा। वैसे इस प्राइसिंग के नीचे जितने भी लैपटॉप्स होते हैं उनकी बॉडी प्लास्टिक की होती है, तो कोई टेंशन की बात नहीं है, आप इसे रख सकते हो आराम से। इसको आप गेमिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हो, मतलब कि मीडियम और लो टाइप की गेमिंग पे यूज़ कर सकते हो, हल्की फुल्की एडिटिंग आप इस पर कर सकते हो, बहुत हैवी वीडियोज़ आप एडिट नहीं कर सकते लेकिन हल्की फुल्की एडिटिंग आप इस पर आराम से कर सकते हो। अगर इसके प्रोसेसर की बात की जाए तो प्रोसेसर इसमें काफ़ी अच्छा आपको देखने को मिलता है। अगर इसके और कॉन्स की बात की जाए तो मुझे इसका माउस पैड का जो
पोजीशन है वो अच्छा नहीं लगा इसका, माउस पैड का पोजीशन और बेहतर हो सकता था, इसको वो थोड़ा मिडिल या थोड़ा राइट में रखते, थोड़ा बड़ा रखते तो अच्छा रहता। मुझे माउस पैड का पोजीशन ज़्यादा लेफ्ट में लगा। और गाइस एक चीज़ और है कि इसके जो बटन्स हैं माउस पैड के वो मुझे इम्प्रेसिव बिल्कुल भी नहीं लगे, उससे मैं काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंट हुआ। अगर दोस्तों बात किया जाए इसके बैटरी लाइफ की, तो 4 घंटे का बैटरी लाइफ वादा तो करते हैं बट मिलता आपको 4 घंटे का बैटरी लाइफ नहीं है, मिलता है आपको 3-3.5 घंटे का बैटरी लाइफ। और अगर आप गेम खेल दो या वीडियो एडिट कर दो तो 2-2.5 घंटे से ज़्यादा इसकी बैटरी नहीं जाती है। तो कुल मिला जुला के क्या मैं रिकमेंड करता हूँ ये लैपटॉप? हाँ, मैं रिकमेंड करता हूँ, अगर आप 45,000 रुपये रखे हो और 45,000 में आप एक वर्किंग प्रॉपर अच्छा डिसेंट लैपटॉप चाहते हो तो आप इस लैपटॉप को बाय कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, नो इशूज़। मैंने आपको प्रोज भी बता दिए, मैंने कॉन्स भी बता दिए, और मैं रिकमेंड करता हूँ क्योंकि 45,000 में ये एक डिसेंट लैपटॉप है, जितनी भी फीचर्स ये आपको देता है काफ़ी अच्छे फीचर्स इसमें आपको मिल जाते हैं। तो कुल मिला जुला करके दोस्तों ये है मेरा रिव्यू लेनोवो के आइडियापैड S145 लैपटॉप के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जानकारी पहुँचे। और दोस्तों चैनल पर अगर आप नए हैं सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि आपको ऐसी हेल्पफुल वीडियो सबसे पहले मिलते रहें। धन्यवाद। We'll be right back.